नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक कमाल की आयुर्वेदिक औषधि अकरकरा के बारे में। जी हाँ, अकरकरा एक आयुर्वेदिक औषधि का नाम है जिसे एनासाइक्लस पायरेथ्रम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये एक ऐसा पौधा है जो भारतीय आयुर्वेद के साथ साथ यूनानी और हर्बल दवाओं में पुरुषों की बीमारियां, जनरल ठंड, दांतों और पायरिया के इलाज में भी उपयोग में लिया जाता है। अकरकरा का उपयोग अकरकरा पाउडर, अकरकरा चूर्ण और अकरकरा की जड़ के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की दोस्तों इस वीडियो में हम आपको इसी अकरकरा औषधि के कुछ फायदे और कुछ नुकसानों के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है इसके सबसे पहले फायदे। तो दोस्तों, गले की खराबी को दूर करने के लिए अकरकरा बहुत ही प्रभावी औषधि मानी जाती है। इसके लिए 250 मिलीलीटर पानी में 10 ग्राम अकरकरा पाउडर मिलाकर उबालें। दोस्तों, फेरिगेंटी से एक प्रकार की बीमारी होती है, उससे राहत पाने के लिए इस पानी के गरारे करें। दोस्तों, यह दांतों के दर्द और मसूड़ों से संबंधित रोगों के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें आयुर्वेद के अनुसार अकरकरा मिर्गी और दौरे के प्रबंधन में सहायक करता है। जी हाँ, अध्ययनों से पता चला है कि अकरकरा की जड़ का उपयोग दौरों को कम करने में मदद करता है। इसके लिए अकरकरा की जड़ के साथ अन्य पदार्थों को मिलाया जाता है, जैसे कि अकरकरा की जड़ का पाउडर, शंख पुष्पी का पाउडर वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, इन चीज़ों का यूज़ करके जो दौरे पड़ते हैं कई लोगों को, उनको दूर किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें कि मासिक धर्म चक्र के समय होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए भी अकरकरा का उपयोग किया जाता है। अकरकरा को पानी में मिलाकर इसका काढ़ा बनाया जा सकता है और इस काढ़े का सेवन करने से महिलाओं को मासिक धर्म से संबंधित परेशानियां आसानी से दूर की जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अकरकरा मुँह की दुर्गंध को दूर करने में हेल्पफुल होता है। जी हाँ, काली मिर्च, खड़ा नमक, भुना हुआ एलम और अकरकरा की बराबर मात्रा लेकर इन्हें बारीक पीस लें। इस मिश्रण से आप अपने दांतों की सफाई करें। यह मुंह से आने वाली बदबू को रोकता है। यह पाउडर दांतों और मसूड़ों की समस्याओं को दूर करने में भी हेल्पफुल होता है। इसके अलावा दोस्तों, पेट की कई सारी बीमारियों को दूर करने के लिए भी इस पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, अंजीर, पीपल पाउडर और अकरकरा पाउडर को बराबर मात्रा में मिलाएं। हर रोज भोजन के बाद सुबह और शाम को इस मिश्रण की आधी चम्मच का सेवन करने से पेट की कई सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों, यह हार्ट रोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल माना जाता है। जी हाँ, अर्जुन के पेड़ की छाल का पाउडर और अकरकरा पाउडर की बराबर मात्रा लें और दिन में दो बार इस मिश्रण को आधा चम्मच की मात्रा में इसका सेवन किया जाए तो यह आपके दिल को मजबूत बनाता है और हार्ट स्ट्रोक के खतरे को काफ़ी ज़्यादा कम करता है। दोस्तों, सिर दर्द का इलाज भी इसमें छुपा हुआ है। जी हाँ, सिर दर्द को दूर करने के लिए अकरकरा पाउडर का पेस्ट बनाकर इसे माथे पर लगाना चाहिए। यह सिर दर्द को दूर करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप अकरकरा की जड़ को चबाने से ठंड के कारण होने वाले सिर दर्द से बच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जब भी आप थका थका महसूस करें तो 2-3 लौंग के साथ थोड़ा सा अकरकरा पाउडर का सेवन अगर आप करेंगे तो ये आपकी थकान और सुस्ती को दूर करने में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। इसके अलावा दोस्तों, बार बार अगर आपको हिचकी आती है तो यह बहुत ही प्रभावी इलाज है हिचकी का। जी हाँ दोस्तों, शहद के साथ 1 ग्राम अकरकरा पाउडर आपको लेना है और इसका सेवन करना है। यह आपकी हिचकी को तुरंत बंद करने में हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों, ये तो थे इसके लाजवाब फायदे। अब बात करते हैं इसके कुछ नुकसानों की। दोस्तों, अधिकतर लोगों को इसका सेवन करने से मुंह के छालों वाली प्रॉब्लम देखने को मिली है। इसके अलावा दोस्तों, इसका उपयोग करने से कई लोगों को जलन जैसी अनुभूति महसूस हुई है। इसके अलावा हार्ट बर्न होना भी इसका एक साइड इफेक्ट देखा गया है। और दोस्तों, इसका सेवन करने से बहुत सारे लोगों में पेट में गैस बनना देखा गया है, यानी कि एसिडिटी की समस्या को यह क्रिएट कर सकता है। तो ये इसके कुछ साइड इफेक्ट है। तो दोस्तों, देखा आपने, यही थी आयुर्वेदिक औषधि अकरकरा के दोनों पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट, किस तरह से फायदेमंद होती है और किस तरह से नुकसानदायक होती है। तो यही थी हमारी जानकारी जो होती है यही समाप्त। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इस सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कीजिए और पास में दिए गए इस बेल आइकन पर क्लिक करके इस ऑल के बटन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।